दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स बुक KCNF 5 का एक्सरसाइज 6 पढ़ेंगे। और एक्सरसाइज 6 पढ़ने से पहले मैं बात बता देता हूँ, अगर आप लोग को अगर इस वीडियो को अगर पार्ट 1 देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हूँ, और मैं पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक डिस्क्राइब किए हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में व्हाट लिस्ट नंबर मे बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 7,89,021 टू मेक द रिमाइंडर डिविजिबल बाई 235। हमें सबसे छोटी संख्या बतानी है जो कि घटानी है 7,89,021 में से, जो घट के जो आंसर आएगा वह 235 से पूरा कट जाए, वही हम लोग को लाना है। तो हम लोग लाएंगे, पहले हम लोग जो 7,89,021 है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 235 से। चलिए हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर इलेवन 235 डिवाइड 7,89,021 को हम लोग लगाएंगे 3 में, 705 हो जाएगा 3 में, फिर हम लोग जो घटा के आएगा वो हो जाएगा 840, फिर 3 में हो जाएगा 705 हो गया, और फिर हम लोग जो घटा के जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा 1,352, यह कर जाएगा 5 में हमारा हो जाएगा 1,175, फिर जो घट के जो आएगा वो आएगा 1,771, फिर लगेगा फिर हमारा इसमें लग जाएगा 7,1,645, तो 7 में लग जाएगा तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 126 आ जाएगा, ये हमारा 126 आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, व्हाट लिस्ट ऑफ 6 डिजिट इज डिविजिबल बाय 739। ऐसे कौन सी 6 डिजिट की छोटी संख्या है जो कि 739 से डिविजिबल हो जाए, वही हम लोग को बताना है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे 739 डिवाइड लिस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, 6 डिजिट का सबसे छोटा संख्या तो होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर हम लोग 1 में लगाएंगे 739। और दोस्तों, मैं आप लोग को एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग को कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में लिख के दीजिएगा कि सर मुझे यह क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपको अवश्य बताऊंगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं, जो हमारा जो फिर घटा के जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 2,610, फिर 3 में लगेगा 2,217, फिर जो घट के आ जाएगा वो होगा 3,930, फिर जो होगा फिर हमसे लगेगा 5 होगा 3,695, फिर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 235। अभी भी ये आपको करेक्ट आंसर नहीं आया है, फिर हम लोग लास्ट में लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर देके हम लोग लिखेंगे। पहले हम लोग को जब भी हम लोग को ये बोले लिस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, तो हम लोग लिस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट में करते हैं, इसमें से इसको घटा दिया जाता है। मैं आप लोग को बता रहा हूँ,
जो हमारा ये है इसमें से हम लोग ये घटाएंगे, ये जो है ये 739 इसमें से हमको इसको घटाना है, हम लोग घटाएंगे तो हमारा जो घटा लेते हैं पहले 739 माइनस 235 तो आ जाएगा 4, फिर 33 या फिर 7504, फिर ये जो घटा के जो हमारा आ जाएगा हम लोग पहले लिखेंगे लिस्ट नंबर ऑफ सिक्स डिजिट प्लस ब्रैकेट में उसको डालेंगे और फिर हम लोग लिखेंगे 739 माइनस 235, तो 200 इधर 35 है तो स्पेस नहीं मिला इसलिए मैं इधर कर दिया 235, फिर जो आएगा वह हो जाएगा ये, और जो हमारा माइनस में माइनस करके आया था वो आ जाएगा 504, ये 504 हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 100504, ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, व्हाट ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट इज डिविजिबल बाय 215। हमें पांच डिजिट की सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो कि 215 से पूरी अच्छी तरह से डिवाइड हो जाए, तो हम लोग यहाँ पे अब बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 215 से हम उसको डिवाइड करते हैं, फाइव डिजिट बोल रहे हो गया फाइव डिजिट, हम लोग पहले लगाएंगे फोरजा में तो फोरजा में आ जाएगा 816, माइनस करने पे आ जाएगा 1399, फिर हम लोग लगाएंगे सिक्सजा में आ जाएगा हम लोग का 1290, फिर हम लोग को माइनस करने पे आएगा 1099, फिर हम लोग फाइव जा में लगाएंगे, फाइव जा में आएगा 1075, कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 24। और जब भी ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें, व्हाट ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट इज डिविजिबल बाय 215, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरह नहीं करेंगे डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, हम लोग डायरेक्ट ये जो है रिक्वायर्ड नंबर ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर ये जो हो गया ये माइनस डायरेक्ट हम लोग रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 99975। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, व्हाट ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट इज डिविजिबल बाय, सॉरी यहाँ पे व्हाट लिस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 319। हम लोग से पांच डिजिट की सबसे छोटी संख्या बोल रही है जो 319 का मल्टीपल है, और हम लोग बनाते हैं 319 का मल्टीपल पूछ रहा है तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 319 भी हम लोग जो लिस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट है उसे हम लोग लिस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट है एक जो है इससे हम लोग डिवाइड करेंगे 319 को, तो हम लोग लगाएंगे पहले थ्री जा में लगेगा 957, फिर हम लोग का आ जाएगा ये 430, फिर 319 आ जाएगा हम लोग का वन जा में, हम लोग का जो कट के आ जाएगा वो आ जाएगा हम लोग का 111, हम लोग का जो आंसर पूछ रहा है वो है हम लोग माइनस कर देना है ये, अब जैसे ही लिस्ट नंबर पूछा ना जब भी लिस्ट नंबर बोले तो ये जो है डिवाइजर माइनस रिमाइंडर रिक्वायर्ड नंबर, ये हम लोग लिखते हैं रिक्वायर्ड नंबर इसको भी हम लोग कर लेंगे वन ग्रेटेस्ट नंबर लिस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट प्लस
ब्रैकेट में डेली इसको माइनस इतना कर लेते हैं, तो हम इस जो 319 जो होगा वह ये हो जाएगा हमारा 208। हम डायरेक्ट लिखते हैं, ब्रैकेट नहीं देते हैं, 208 डाल देते हैं, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 10208 आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है व्हाट नंबर नियरेस्ट टू लैक डिविजिबल बाय 327। वह नंबर बोल रहा है जो लाख के बहुत करीब है और वह 327 से ये डिविजिबल भी हो जाएगा, वह लाख के बहुत नज़दीक है। तो हम लोग हम बनाते हैं पहले हम थोड़ा बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 में वन लाख सीजा में लगेगा 981 कट के आ जाएगा 190, फिर हम लोग लगाएंगे 0 जामे लगाएंगे तो हो जाएगा 1900 हो गया तो 1635 जामे लगाएंगे वो 1635 दसवें से पास गया 5 तो हम लोग आ जाएगा वो 265 आ जाएगा 265। अब नियरेस्ट लैक बोल रहा है इसलिए हम लोग अब इसमें तो लिस्ट नंबर बोल नहीं रहा है, जो हम लोग अब डिवाइजर माइनस इतना करेंगे, हम लोग को बस लिस्ट नंबर बोल रहा है तो हम लोग लिस्ट नंबर में करेंगे, हम लोग लिस्ट नंबर में भी उसी तरह से करेंगे जैसे हम लोग उसमें करते थे 5 डिजिट 6 डिजिट हो 4 डिजिट हो। इसमें हम लोग लिस्ट नंबर जहाँ पर भी बोले जब भी बोले तो हम लोग डिवाइजर माइनस रिमाइंडर करते हैं रिक्वायर्ड नंबर करते हैं 1 लाख हो गया 1 लाख प्लस हम लोग डायरेक्ट उसको माइनस कर लेते हैं तो हम लोग का माइनस करने क्या है आ जाता है ये माइनस हम लोग इसको करते हैं तो हम लोग का आ जाता है 62। वन ये हो गया और 62 ये हमारा लेफ्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर ये हो गया था हम लोग का 13 हो गया था।